हम सब कौन है? हम सब जीव हैं, और जिस लोक में हम रहते इस लोक का नाम जीवलोक है। और गौरव से हम कह सकते हैं जीवलोक का ईश्वर भगवान शिव है। हमारे लोक में कोई रहने वाला देव है तो भगवान महादेव है। भगवान शिव कैलाश में रहते हैं, कैलाश हमारे मृत्यु लोक में है। शिव का स्थान कैलाश है, और हम सभी जानते हैं कैलाश मृत्यु लोक में है। किसी को पूछो ब्रह्मलोक देखा तो कह नहीं, वैकुंठ लोक देखा तो कह नहीं, देवलोक देखा तो कह नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पूछो कैलाश देखा तो कहा। इसलिए हमारे लोक में कोई रहने वाला देव है, शंकरम लोक शंकर, हमारे साथ कोई रहने वाला देवता, हमारे लोक में कोई रहता देवता तो भगवान महादेव है, भगवान शिव है। इसलिए जीवलोक का ईश्वर भगवान शिव है। भगवान व्यास ने कहा कि जीवलोक में वही धन्य है जो भगवान महादेव को याद करते हैं, जो भगवान शिव जी को याद करते हैं। सारे देवता किसको याद करते हैं? शिव जी को तो याद करते हैं। सभी ऋषि मुनि किसका भजन करते हैं? महादेव का तो भजन करते हैं। जिनके हृदय में शिव नहीं वो जीव नहीं, वो जीवित भी नहीं, वो तो शव समान है। शिव से सबको चेतनवंत रहता है, शिव के बिना कुछ भी संभव ही नहीं। इसलिए भगवान व्यास ने कहा कि धरा पर उसका जन्म लेना सफल है जो भगवान महादेव का ध्यान करते, विश्वनाथ का ध्यान करते। ये भगवान व्यास का वचन है।